आ गए भैया बाथरूम से, वो दतमन लाने गए भैया। जैसे ही आते ब्रश करते हैं, उसके बाद जाते सीधा नहा। हमारे पीछे देख रहे ब्रश के सिवा दतमन से ब्रश लाए हैं, लेकिन दतमन से गुड मॉर्निंग बोल दीजिए। गुड मॉर्निंग सर, आपको कैसा लग रहा है वाराणसी में? वाराणसी एक काशी विश्वनाथ की ज्योतिर्लिंग की नगरी है, जो यहाँ पाने के बाद बहुत सुकून मिलती है। बाबा के दर्शन करने में, स्नान ध्यान करने में, यहाँ के लोगों से मिलने में, जो अभी आप दर्शन करने आएंगे तो मंदिर बहुत बड़ी बन रही है, जो पहले से पुरानी मंदिर को जीर्णोद्धार किया जा रहा है। बहुत बड़े कैंप, बहुत बड़े ट्रस्टेड मंदिर के बड़े बड़े शिलाओं से, पत्थर के शिलाओं से मंदिर का निर्माण जीर्णोद्धार हो रही है। आप भी आए एक बार बाबा के दर्शन करें, बहुत अच्छा लगेगा। काशी विश्वनाथ हो या फिर महाकाल की नगरी उज्जैन हो, या फिर सोमनाथ हो, या फिर नासिक हो, केदारनाथ हो, दर्शन करिए। मैं बहुत जल्द आप लोगों को केदारनाथ यात्रा को दर्शन कराऊँगा। केदारनाथ जो हम लोग जाने वाले हैं कुछ टाइम पे, अभी तो हम लोग जाएंगे अभी नहाने के लिए। रात को तो पानी गर्म था, अभी सुबह पता नहीं कैसा होगा, बट देखते हैं अभी जाएंगे। और मैं चलूँगा गंगा जी की ओर, मैं आपको दिखाऊंगा काशी 80 घाट के दर्शन कराऊंगा, उसमें आप देखिएगा। बहुत शाम को स्नान करते समय, शाम में गंगा आरती करते समय पानी गर्म थी, कल जिसमें कि बारिश बहुत मजे से हुई थी इस बाबा की नगरी में, क्योंकि आस पास एरिया में भी बहुत बारिश हुई थी क्योंकि पानी था गर्म। अब आज सुबह की ओर चलते हैं, आपको दिखाते हैं पानी कैसा है यहाँ। अभी भीड़ भी कम है, लेकिन जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता जाएगा भीड़ भी बढ़ता जाएगा, क्योंकि यहाँ 6 बजे से 9 बजे को लेकर भीड़ बहुत कम चल रही है, और लोगों की पर्याप्त ये हो रही है 2 गज की दूरी और मास्क पहनकर जो जरूरी है, मास्क पहन के दर्शन कर पा रहे हैं मंदिर में। बिना मास्क के अलाव नहीं जाना, विदाउट मास्क नो एंट्री नो दर्शन। लोगों से अभी भीड़ चल रही है, और अभी यहाँ लॉकडाउन भी है, कर्फ्यू लगा 6 से 9, अब बाहर घूम तक उसके बाद लॉकडाउन हो जाता है। बहुत अच्छा जगह है यहाँ पे, हम लोग ने बहुत मजा किया। किस प्रकार से इतनी सुबह सुबह खाली पड़ी, तो सुबह का माहौल है, लेकिन जैसे 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 दिन बढ़ता जाएगा, समय आगे बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे भीड़ बढ़ता भी चला जाएगा, क्योंकि COVID-19 को लेकर इस समय देखिए भीड़ बहुत कम है, इतनी खाली पड़ी हुई है। ये तो यही नॉर्मल दिन था, लॉकडाउन नहीं था, COVID-19 संक्रमण से लोग ग्रसित नहीं थे, दुनिया ग्रसित नहीं था, सब काफ़ी भीड़ हुआ करते थे यहाँ पर। हम लोग एक और बात, जहाँ यहाँ पे दर्शन करने आए थे, दर्शन के दौरान देखिएगा मंदिर प्रांगण में एक मस्जिद है, जो मुगल बाबरों के द्वारा जमीनों को, मठ मंदिरों को तोड़ के जो अपनी मस्जिद बनाई गई है, वो मस्जिद अभी आपको प्रांगण में मिलेगी। अभी तो अयोध्या के रामलला को जो इस प्रकार से हमारी जीत हुई, रामलला मंदिर बने, बाबरी विध्वंस ढाकर, ढांचा को ढाकर, ठीक उसी प्रकार से मैं ऐसा करता हूँ, अपने धर्म के उपरांत सनातनी की जीत होगी। अभी कहा जाता है कि अयोध्या भी झांकी है और मथुरा काशी बाकी है, तो बहुत जल्द आपको सबके बीच ये मंदिर की बहुत बड़ा प्रांगण बनेगी, मस्जिद हटेगी, क्योंकि अनर्गल तरीके से, अनलीगल तरीके से जो मस्जिद बनाई गई है वो काफ़ी चिंतित विषय है। बात कर रहे थे अपने एसी के बारे में, तो ऐसी दूर पहले एसी लगा थी, ये लॉज का बजट बहुत कम है, इसलिए 5 रुपया ले एसी, 2 रुपया का हवा देता है, इससे बढ़िया पंखा चला कर सो जा, लेकिन एसी का उपयोग ना करें, अभी एक ही एसी है। अभी चलते हैं नहाने, बहुत मजा आने वाला है, लेट्स गो। हम लोग सब जा रहे हैं, मजा आने वाला है।
था। अभी हम लोग जा रहे हैं उधर ही नहाने के टाइम चलिए शायद सुनिए नहीं तबे बोल रहे थैंक यू। आप देख सकते हैं यहाँ पे सुबह जब 6:10 बज रहा है और देखिए बाजार का कुछ सी बाजार के इस तरह सन्नाटा पड़े हुए इस माहौल में और सबसे ज़्यादा जैसे देख सकते हैं बैक कैमरा करना पड़ेगा श्रद्धालु लोग नहा नहा के आ रहे हैं बाबा के दर्शन के लिए। आप लोग भी जरूर आइए हमारा रिकमेंडेड। देखिए गाइस ब्यूटीफुल सीन। सफर कैसा है ये सफर मंजिलों की ना है कोई खबर। सफर यहाँ पर आपकी पुलिस की कैंप है वाराणसी पुलिस। शासन देखिए पाया पर जो बने हुए पेंटिंग है बहुत खूबसूरत बेहद खूबसूरत है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद घाट ये आपका दशमेश्वर घाट। यहाँ पे पुलिस का जो कैंप जो हर जगह NDRF की वाराणसी उत्तर प्रदेश पुलिस यहाँ पर आपका कैंप लगा हुआ है रिवर पुलिस डिस्ट्रिक्ट वाराणसी।